यूपी सहित 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता को लागू कर दिया गया है। शाहजहांपुर में दूसरे चरण में 14 फरवरी को चुनाव कराए जाएंगे। चुनाव आचार संहिता का पालन कराने के लिए आज जिला प्रशासन ने लगे हुए बैनर होल्डिंग को हटवाने का काम शुरू कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं सिमरनजीत सिंह और आप देख रहे हैं 24x7 बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ और फिर आपको दिखाएंगे दिन भर की सभी छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। तो आइए शुरुआत करते हैं। यूपी सहित 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आचार संहिता लागू। यूपी में 7 चरणों में होगा मतदान। दूसरे चरण में 14 फरवरी को शाहजहांपुर में डाले जाएंगे वोट। चुनाव आचार संहिता के लागू होते ही जिला प्रशासन हरकत में आया। चौक चौराहों पर लगे चुनाव प्रचार के बैनर होर्डिंग को हटवाया गया। प्रशासन ने दी चेतावनी, आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। शाहजहांपुर में रुक रुक कर हो रही बारिश से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। पारे में आई गिरावट, लोग हुए घरों में कैद, बाजारों में पसरा सन्नाटा। शाहजहांपुर पहुंचे दिल्ली भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अजय सहरावत। केजरीवाल पर बोला जमकर हमला, कहा झूठ बोलते हैं केजरीवाल, दिल्ली में किए वादों को नहीं किया पूरा। और नेशनल हाईवे पर होलास नगला रेलवे क्रॉसिंग पर फिर लगा लंबा जाम, घंटों तक जाम में फंसे रहे लोग, बारिश के चलते लोग हुए परेशान। सैंदाली ब्लॉक में SIS इंडिया लिमिटेड कंपनी द्वारा युवाओं को रोजगार देने के लिए आज पंजीकरण कराए गए। इस दौरान कई युवाओं ने अवैध वसूली किए जाने का भी आरोप लगाया। युवाओं का कहना है कि अभी 350 रुपए जमा कराए गए हैं, जबकि भर्ती होने के बाद 10,500 रुपए और जमा कराए जाएंगे। इसी बात से गुस्साए कुछ युवक ब्लॉक में ही प्रदर्शन करने लगे। सूचना के बाद डायल 112 पुलिस मामले को शांत कराने पहुंची। वहीं कंपनी के डिप्टी कमांडेंट रामकिशन ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को निराधार बताया है। उन्होंने कहा कि जो भी पैसा लिया जा रहा है बिल्कुल जायज है, किसी भी तरीके की अवैध वसूली नहीं की जा रही है। यूपी सहित 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने आचार संहिता का ऐलान कर दिया है। आचार संहिता का पालन कराने के लिए शाहजहांपुर जिला प्रशासन भी एक्शन मोड में आ गया है। आचार संहिता का ऐलान होते ही जिला प्रशासन ने महानगर क्षेत्र में लगे चुनाव प्रचार प्रसार के होर्डिंग को हटाने का काम तेज कर दिया है। तस्वीरें शाहजहांपुर के सुदामा चौराहे के पास की हैं, जहां नगर निगम और जिला प्रशासन ने खंभों पर लगे हुए प्रचार प्रसार के होर्डिंग को हटवाना शुरू कर दिया है। ADM प्रशासन राम सेवक द्विवेदी ने कहा कि चुनाव आयोग के सभी निर्देशों का पालन सख्ती से कराया जाएगा और नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सिंधौली के नवागत कोतवाल चंद्रकिरण ने आज कार्यभार संभाल लिया है। राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष अनिल कुमार गुप्ता ने क्षेत्र के ग्राम प्रधानों के साथ पहुंचकर नवागत कोतवाल से भेंट की और स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत किया। वहीं कोतवाल चंद्रकिरण ने भी सभी ग्राम प्रधानों से सहयोग बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि ग्राम प्रधानों के सहयोग के बिना क्षेत्र में कानून व्यवस्था का पालन करा पाना संभव नहीं है। आपको बता दें कि लंबे समय से सिंधौली कोतवाल रहे जगनारायण पांडे का तबादला होने के बाद चंद्रकिरण को सिंधौली की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यूपी सहित 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता को लागू कर दिया गया है। वहीं शाहजहांपुर में दूसरे चरण में 14 फरवरी को मतदान कराया जाएगा। जिला प्रशासन का कहना है कि चुनाव आचार संहिता का गंभीरता से लोगों को पालन कराया जाएगा और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न होंगे। इस दौरान पुलिस प्रशासन ने असामाजिक तत्वों को भी चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जलालाबाद के नवागत कोतवाल ने चार्ज संभालते ही असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला तेज कर दिया है। पुलिस ने गांव रपरा मगटोरा के रहने वाले झब्बू उर्फ भवनपाल को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 315 बोर का तमंचा और कारतूस मिले हैं। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।
दिल्ली भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अजय सहरावत आज शाहजहांपुर पहुंचे। यहां उन्होंने भाजपा कार्यालय पर भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के साथ एक बैठक की। इस दौरान अजय सहरावत ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि केजरीवाल झूठ बोलते हैं। उन्होंने दिल्ली में 500 से ज्यादा स्कूल बनाने की बात कही थी, लेकिन अभी तक एक भी स्कूल नहीं बनाया गया है। उन्होंने कहा कि हाल ही में केजरीवाल सरकार ने 850 शराब के ठेके जरूर खोले हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली की सड़कों में भारी गड्ढे हैं। साथ ही ये भी कहा कि पिछले 7 साल से अरविंद केजरीवाल यमुना को साफ करने की बात कह रहे हैं, लेकिन अभी तक यमुना को साफ नहीं किया जा सका है। भाजपा ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय सोशल मीडिया प्रभारी राहुल नागर भी शाहजहांपुर पहुंचे। यहां उन्होंने विपक्षी दलों पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अगर हम पर प्रोपोगेंडा करने का आरोप लगता है तो हाँ, हम लोग प्रोपोगेंडा विकास का करते हैं। उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि विपक्षी दल जातिगत प्रोपोगेंडा करते हैं और ओबीसी उन लोगों के हाथ से खिसकता जा रहा है जिसके चलते वो लोग बौखलाए हुए हैं। जलालाबाद नगर की रहने वाली एक युवती अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। युवती की मां ने पुलिस को तहरीर देकर बरामदगी की मांग की है। महिला का आरोप है कि मोहल्ले का ही रहने वाला एक युवक उनकी बेटी को बहला फुसला कर अपने साथ ले गया। महिला का यह भी आरोप है कि घर में रखा हुआ माल जेवर भी युवती साथ ले गई। वहीं पुलिस को तहरीर दी गई है। वहीं पुलिस तहरीर के बाद मामले में जाँच कर रही है। नेशनल हाईवे पर कटरा क्षेत्र में होलास नगला रेलवे क्रॉसिंग पर आज फिर से लंबा जाम लग गया। आपको बता दें कि सुबह से हो रही बारिश और ओवरब्रिज पर चल रहे निर्माण कार्य के चलते यहां कई वाहन जाम में फंस गए, जिसके चलते घंटों तक जाम लगा रहा। हालांकि ओवरब्रिज निर्माण कार्य पूरा होने के बाद लोगों को यहां जाम की समस्या से निजात मिल जाएगी। आपको बता दें कि यहां आए दिन जाम की समस्या बनी रहती है। थाना सदर बाजार पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 3 तमंचा और चाकू बरामद हुए हैं। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर चांदनी पुलिया के पास से, शराब की दुकान के पास से 6 संदिग्ध लोगों से पूछताछ करने का प्रयास किया। उसी दौरान अभियुक्तों ने पुलिस पर फायर कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर अभियुक्त सानू उर्फ सैनवाज, फुरकान सावेज, गुड्डू राशिद और इमरान नाम के 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। अभियुक्तों के पास से 3 तमंचे और कारतूस और चाकू मिले हैं। सभी अभियुक्तों को अब जेल भेजा जा रहा है। जलालाबाद से ट्रांसफर होकर आए नायब तहसीलदार जगत मोहन जोशी ने तिलहर का चार्ज संभाल लिया है। वहीं तिलहर से भेजे गए चंद्रगुप्त सागर को जलालाबाद की जिम्मेदारी दी गई है। आपको बता दें कि नायब तहसीलदार चंद्रगुप्त काफी तेज तर्रार माने जाते हैं। शाहजहांपुर में आज रुक रुक कर हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त रहा। इस दौरान पारे में भी खासी गिरावट देखने को मिली। वहीं लगातार हो रही बारिश के चलते बाजार में सन्नाटा पसरा रहा। दरअसल आज सुबह से ही रुक रुक कर बारिश होने लगी, जिसके चलते लोग घरों में ही कैद नजर आए। नजारा शाहजहांपुर के SP कॉलेज रोड का है। यहाँ ज्यादातर दुकानें आज बंद रहीं। निगोही पुलिस ने ढकिया तिवारी के रहने वाले अरविंद को गिरफ्तार किया, जिसके पास से 1 तमंचा और कारतूस बरामद हुए हैं। आपको बता दें कि पुलिस अरविंद की तलाश कर रही थी, जिसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है और जेल भेजा जा रहा है। शाहजहांपुर में बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 21 नए मरीज सामने आए हैं और 6 मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं। आपको बता दें कि जिले में अब तक कोरोना संक्रमण से 444 लोगों की मौत हो चुकी है। जलालाबाद पुलिस ने हरीबा गांव के रहने वाले एक व्यक्ति को शराब बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने हरीबा के रहने वाले अबू लाल के घर में छापेमारी की, जिसके पास से 10 लीटर कच्ची शराब बरामद हुई। पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। शाहजहांपुर में रुक रुक कर हो रही बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। किसानों का कहना है कि सुबह से हुई बारिश से दलहन की फसलों को खासा फायदा हुआ है। किसानों का यह भी कहना है कि इस बारिश से खासकर मसूर और चना की फसल को लाभ पहुंचा है। तो वहीं किसानों ने यह भी कहा कि अगर थोड़ी बारिश और हो जाती तो गेहूं की फसल को भी लाभ मिल जाता। जलालाबाद में थाना समाधान दिवस का आयोजन हुआ। थाना समाधान दिवस में पहुंचे तहसीलदार चमन सिंह राणा ने फरियादियों की समस्याओं को सुना। हालांकि बारिश के चलते आज फरियादी बेहद कम पहुंचे। इनमें से कुछ फरियादियों की समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण करा दिया गया।